हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और प्रिंटिंग गाइड आपके अपने चैनल ऑल अबाउट प्रिंटिंग में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप कवर पेज देख करके समझ ही गए होंगे कि आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक स्टैम्प मेकिंग मशीन की, जो एक बहुत ही जाने माने ब्रांड की है, जिसका नाम है एशियन समंदर। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ इसको कंपनी ने भिजवाया है। ये मैंने अमेज़न से परचेज़ की है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वहां से परचेज़ कर लें या कंपनी से डायरेक्ट भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ये एक फ्लैश स्टैम्प मशीन है, मींस आप इसमें रबर स्टैम्प नहीं बना सकते। इसमें आप ड्यूरा स्टैम्प या सेल्फ इंकिंग स्टैम्प बना सकते हैं, ड्यूअल कलर या ट्रिपल कलर। ये कंपनी ने इसके साथ एक पेन ड्राइव दे रखी है, जिसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे इस मशीन को यूज़ करना है। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसका नाम टेक्नो फ्लैश है। इसके अलावा इसमें एक इससे भी अच्छी आती है जिसका नाम उड़ान है, और इसमें सेमी ऑटोमेटिक भी आती हैं। ये इसके ऊपर का कैप है जिसको ऊपर से लगाना मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। काफ़ी सुंदर मशीन बनाई है और इसका मटीरियल भी काफ़ी टफ है, काफ़ी हार्ड मटीरियल यूज़ किया गया है इसको बनाने में। और इसको अगर साइड से या बैक साइड से देखें तो यहाँ कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है और मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह लिख रखी है। पावर कंजम्पशन भी इसकी बहुत ही ज़्यादा कम है। ये कुछ कॉशंस हैं जिनको आपको ज़रूर रीड करना चाहिए मशीन को यूज़ करने से पहले। इस मशीन की कॉस्ट अप्रॉक्स 17,500 रुपीज़ है। इसको अगर ऊपर से देखें तो यहीं पे इसकी फ्लैश लाइट लगी हुई है, यहीं से आपको फ्लैश लगाना है आपका स्टैम्प बनाने के लिए। ये इसके ऊपर का कैप है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग काफ़ी टफ मटीरियल से बनाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। ये आपको स्टैम्प बनाने में यूज़ होने वाले कुछ इक्विपमेंट्स हैं। इसके मटेरियल की भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ये इसकी पावर केबल है जो आपको बैक साइड में लगानी है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पावर केबल दी गई है इसमें साथ में। ये इसके ऊपर का स्क्रू नॉब है जिसको आप रोटेट करके स्टैम्प को टाइट या लूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर एक ग्लास दिया गया है जिसपे से पेपर हटा करके आपको इस तरीके से इसको इंसर्ट करना है और स्टैम्प लगा करके ऊपर से इसको ढक देना है कैप से, क्योंकि ये फ्लैश होता है तो फ्लैश आँखों में ना चला जाए, इस वजह से इसको ऊपर से कैप दिया हुआ है। इसको मैं अभी ऑन करके दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरीके से वर्क करती है। जैसे ये 10 तक अभी ये आएगा तो ये फ्लैश के लिए स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको इसका काउंटर स्टार्ट करना पड़ता है, जो आप ब्लू वाला बटन देख रहे हैं, तो ये उसके बाद ही इसका काउंटर स्टार्ट हो जाता है और ये फ्लैश देता है। अभी मैं इसका स्टार्ट का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे, पहले अभी ये एक फ्लैश आएगा, उसके बाद एक ये दूसरा फ्लैश आएगा। इसकी मैं जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करूँगा कि आपको स्टैम्प कैसे बनानी है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।